दोस्तों प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के नियम अब बदल दिए गए हैं। 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो गए हैं। दोस्तों कुछ समय पहले आपको छूट दी गई थी, अब इस नियम के बनने से लाखों शिक्षक जो हैं वो अब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो समय दिया गया था अब वो पूरा हो गया है। बिल्कुल दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप MPSI और कॉन्स्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो MP परीक्षा ऐप के माध्यम से आप ये तैयारी पूरी कर सकते हैं और हमारा कूपन कोड DEEM GOV40 यूज करके 40% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो MPSI की डेली डोज के लिए आज ही डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप और हमारा साथ बने रहें अंत तक। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षक जो प्राइमरी टीचर थे, प्राइमरी टीचर के बनने के लिए जो नियम थे पहले बिना DED वाले भी कुछ समय तक के लिए अलाउ कर दिए गए थे, और इसके बाद गवर्नमेंट एक स्कीम निकाली थी, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था DLED जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NIOS द्वारा करवाया जा रहा था। साथ ही साथ कुछ लोगों ने इस समय के बीच में डिप्लोमा इन एजुकेशन भी कर लिया है, DED भी कर लिया है, तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब दोस्तों जो NCT द्वारा जो आपको दी गई थी छूट, अब वो पूरी समाप्त कर दी गई है। इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं, तो अंत तक बने रहें, देखिए विश्लेषण कि आखिर क्या क्या कहा सरकार ने, और अब आपको फ्यूचर में इस प्रकार के टीचरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक ये एजुकेशन पूरी नहीं की है। तो देखिए क्या है आखिर ये नियम। खबर भले ही देहरादून उत्तराखंड की है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये पूरे देश में मान्य होने वाला है कि बेसिक शिक्षक सिर्फ DLED TET वाले ही बन पाएंगे। जी दोस्तों बिल्कुल, प्राइमरी टीचर बनने के लिए अब सरकारी नौकरी और प्राइवेट स्कूल यानी सरकारी टीचर और प्राइवेट टीचर में बेसिक शिक्षक DLED और TET पास कर चुके लोग ही बन पाएंगे। सोमवार से बेसिक शिक्षक नियुक्ति के मानक पूरी तरह लागू हो गए हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद NCTE ने केवल 31 मार्च 2019 तक ही रियायत मिली थी। इसके साथ ही DLED ब्रिज कोर्स और TET ना कर पाए शिक्षकों और शिक्षा मित्रों पर तलवार लटक गई है। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार फिलहाल उपापोह में है। सूत्रों के अनुसार MHRD के अधिकारियों का कहना है कि NCTE के मानक स्थायी नियुक्ति वाले शिक्षक के लिए हैं, ठीक है, तो ये स्थायी नियुक्ति के लिए शिक्षक के लिए हैं, लेकिन अस्थायी और मानदेय पर काम करने वाले शिक्षक इस दायरे में नहीं आएंगे। दूसरी, शिक्षा मित्रों की शैक्षिक योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में विचाराधीन एक मामले को फैसला आना भी बाकी भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तय हुई है कि अब जो भी पढ़ाएंगे तो ये शिक्षक मित्र और चाहे शिक्षक अधिशिक्षक हों या फिर जैसे शिक्षक भर्ती में भी अपील खारिज हो गई है, यहाँ पर जो कि एक बेरोजगार ने अपील लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट नई भर्ती वाले शिक्षकों से जुड़ी एक नई रिट को खारिज कर दिया है। पिछले हाईकोर्ट में आदेश शिक्षा विभाग ने 5034 पदों पर अधिशिक्षकों को भर्ती किया था, तो ये एक पुरानी खबर है, इसको तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आपको कि ये बहुत एक बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए आपको NCTE द्वारा जो मिली छूट थी अब वो खत्म कर दी गई है, अप्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षा मित्रों पर तलवार लटक चुकी है। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक DLED या फिर TET नहीं दिया है उनके लिए बड़ी समस्या का कारण ये बन सकता है। प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल में ये लागू हो गए हैं नियम 1 अप्रैल से, बिल्कुल 1 अप्रैल से चालू हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो शेयर करके लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।